हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर वेरी वेल एट योर होम. एंड दिस इज़ योर सोशल साइंस बुक, आर एनवायरनमेंट पार्ट टू, टेक्स्ट बुक इन ज्योग्राफी फॉर क्लास सेवेंथ. स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू रीड आर सेकेंड चैप्टर इन ज्योग्राफी, द इनसाइड आर अर्थ, द रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. सो rocks roll down, crack and hit each other and broken down into small fragments. These smaller particles is called sediments. अब जो rocks होती हैं, जो चट्टाने होती हैं, वो एक दूसरे से क्या होती हैं, crack होकर, मतलब roll down होकर, crack होकर, hit होकर, जो एक दूसरे के द्वारा टूट जाती हैं छोटे छोटे टुकड़ों में, उसको हम क्या बोलते हैं, उसके small particles को हम क्या बोलते हैं, sedimentary rocks, मतलब अवसादी चट्टाने. These sedimentaries are transported and deposited by wind. ये जो sediment rocks होती है ना, वो किसके द्वारा deposit की जाती, मतलब किसके द्वारा आती हैं, wind के द्वारा, पानी के द्वारा, इन सब के द्वारा क्या हो जाती है, deposits हो जाती. These loose sediments are compressed and hardened from the layers of rocks. These types of rocks are called sedimentary rocks. ये जो चट्टाने होती हैं, ये क्या होती हैं, ये एक दूसरे के ऊपर लेयर के रूप में हो जाती हैं. फॉर एग्जाम्पल, सैंड स्टोन इज मेड अप ऑफ ग्रेन ऑफ सैंड. जैसे कि सैंड स्टोन, मान लीजिए वो क्या होता है, वो सैंड से बनता है, फ्रॉम ग्रेन्स ऑफ सैंड, वो सैंड के ग्रेन से बनता है. दीज रॉक्स मे ऑल्सो कंटेन फ्लोसल ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट वंस लिव्ड इन दैम. अब इस जो अवसाद के अंदर ये क्या होती है, ये अवसादे, ये जो चट्टाने होते हैं ना, इनमें परतें पाई जाती हैं, ठीक है, इसलिए इनको लेयर्ड या परतदार चट्टान कहा जाता है, ठीक है. अब इस चट्टान के अंदर छोटे छोटे एनिमल्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये सारे लोग, छोटे छोटे पौधे, ये सारे रहते हैं, ओके. इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स कैन चेंज इंटू मेटामॉर्फिक रॉक्स. अब जो अवसादी, आग्नेय और अवसादी चट्टान है, मतलब इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, ये दोनों बदल कर किस में बदल जाती हैं, मेटामॉर्फिक रॉक्स में, मतलब रूपांतरित चट्टान के अंदर ये दोनों बदल जाती हैं. अंडर अ ग्रेट हीट एंड प्रेशर, फॉर एग्जाम्पल, क्ले चेंजेस इंटू स्लेट एंड लाइम स्टोन इंटू मार्बल. ये जो चट्टाने होती हैं, जब चेंज हो जाएंगी, अपना रूप चेंज कर लेंगी, तो क्या होगा, ये चेंज हो जाती हैं, जो स्लेट्स होती है, जो क्ले होती है ना, वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, स्लेट्स में. और जो लाइम स्टोन्स होते हैं, वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, मार्बल्स में, ओके. रॉक्स आर वेरी यूजफुल टू अस. रॉक्स, जो चट्टाने जो हैं, वो बहुत ही यूजफुल हैं हमारे लिए. द हार्ड रॉक्स आर यूज फॉर मेकिंग रोड्स. जो हार्ड रॉक्स होती हैं, उनसे हम क्या बनाते हैं, रोड्स बनाते हैं, ठीक है. और हाउसेज एंड बिल्डिंग्स यू यूज स्टोन्स इन मैनी टाइम्स. और हम घर बनाने और बिल्डिंग्स बनाने में भी इन सभी स्टोन्स का यूज करते हैं, मतलब इन सभी चट्टानों का भी यूज करते हैं. अब ये चट्टाने जो हैं, वो कैसे बनती हैं, जब इसके अंदर ताप और दाब के कारण चट्टाने का स्वरूप में परिवर्तन हो जाता है, तो उसी को मेटामॉर्फोरिक रॉक्स कहते हैं, मतलब रूपांतरित चट्टान कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, सेवन स्टोन्स, पिट्ठू, हॉपस्कॉच एंड किटकिट, फाइव स्टोन्स, गिट्टी एंड फाइंड आउट मोर सच गेम्स बाय आस्किंग टू योर ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स एंड नेबर. अब आप अपने पेरेंट्स से पूछना कि आपने जैसे पिट्ठू का भी खेला है, तो वो किससे खेलते हो, आप रॉक से ही खेलते हो ना. और किटकिट और गिट्टी, ये सब होते हैं ना, ये सब किससे बनते हैं, स्टोन से बनते हैं. सो यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट वन टाइप ऑफ रॉक चेंज अनदर टाइप अंडर द सर्टेन कंडीशन इज साइकल मैनर. अब आपको बहुत ज़्यादा आश्चर्य होगा कि कैसे एक रॉक बदलकर दूसरी रॉक में चेंज हो जाती हैं, ये क्या होता है, एक साइकिल होता है. द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्म ऑफ द रॉक फ्रॉम वन टू अनदर रॉक इज नोन एज रॉक साइकिल. अब एक चट्टान से दूसरी चट्टान में चेंज होना, वो क्या कहलाता है, रॉक साइकिल. यू हैव ऑलरेडी लर्न, व्हेन द मोल्टन मैग्मा कूल्स द सॉलिडिफाइड्स, इट्स बिकम इग्नियस रॉक्स. दीज इग्नियस रॉक्स आर ब्रोकन डाउन इंटू स्मॉल पार्टिकल्स दैट आर ट्रांसपोर्ट एंड डिपॉजिटेड टू फ्रॉम सेडिमेंट्री एंड
rocks when the igneous rocks and sedimentary rocks subject that heat pressure they change into metamorphic rock. अब जैसे आपने ये देखा कि जो रॉक्स होती है, जो इग्नियस रॉक्स होती है, वो कैसे बनती है, वो जैसे ही ब्रोकन होती है छोटे छोटे पार्टिकल्स में, और उससे क्या बन जाती है, वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से वो सेंडिमेंट्री रॉक्स बन जाती है. अब जब सेंडिमेंट्री रॉक्स और इग्नियस रॉक्स जो होती हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर पड़ता है, मतलब जब उनके ऊपर प्रेशर और दबाव, मतलब हीट और ताप और दाब दोनों चीज़ पड़ते हैं, प्रेशर और हीट पड़ने के कारण उनका जो रूप है वो चेंज हो जाता है, तो वो क्या बन जाती है, मेटामॉर्फिक रॉक, मतलब रूपांतरित चट्टानें बन जाती. द मेटामॉर्फिक रॉक्स विच आर स्टिल अंडर अ ग्रेट हीट एंड प्रेशर मेल्ट डाउन फ्रॉम द मोल्टन मैग्मा. अब मेटामॉर्फिक रॉक के अंदर क्या होता है, बहुत ज़्यादा जब ताप और दाब पड़ता है तो वो क्या हो जाती है, वो मोल्टन मैग्मा में कन्वर्ट हो जाती है. दिस मोल्टन मैग्मा अगेन कैन कूल डाउन एंड सॉलिडफाइड इनटू द इग्नियस रॉक्स. और फिर यही जो मोल्टन मैग्मा है ये अब किस में बदल जाता है, ये फिर से इग्नियस रॉक में बदल जाता है. सो लुक रॉक साइकिल, फर्स्ट मैग्मा, देन इग्नियस रॉक्स, फिर सेंडिमेंट्स, फिर सेंडिमेंट्री रॉक्स, एंड फिर मेटामॉर्फिक रॉक्स, देन मैग्मा. Then this is a life, मतलब cycle of rocks. ये देखिए magma से igneous rock में बदली, मतलब magma से बदली किस में, आग्नेय चट्टान में, फिर sedimentary rocks, अवसादी चट्टान में, फिर उसके बाद sediments में बदली, फिर sediments के बाद वो sedimentary rocks में बदल गई, फिर उसके बाद वो change हो गया, उसका जो वो था form जो था वो change होके मेटामॉर्फिक रॉक में चेंज हो गया, और फिर मेटामॉर्फिक से फिर क्या बन गई, मैग्मा बन गई. सो स्टूडेंट्स आर फर्स्ट देन सॉरी देन रॉक्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मिनरल्स. रॉक्स जो है वो डिफरेंट मिनरल्स से बनी है. मिनरल्स आर नेचुरली ऑक्योर्ड सब्सटेंस विच हैव सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड डेफिनेट केमिकल्स कंपोजिशन. मिनरल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू ह्यूमन काइंड. सम आर यूज टू फ्यूज, फॉर एग्जाम्पल कोल, नेचुरल गैसेज एंड पेट्रोलियम. दे आर यूज टू इंडस्ट्रीज, आयरन, एल्यूमिनियम, गोल्ड, यूरेनियम, मेडिसिन एंड फर्टिलाइजर्स. अब जो रॉक्स होती हैं उसमें भी बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, और ये जो मिनरल्स होते हैं वो क्या होते हैं, नेचुरली सब्सटेंस होते हैं, जो कि हमारे ह्यूमन के लिए मिनरल्स बहुत ही ज़रूरी होते हैं, जैसे कोल और नेचुरल गैसेज, पेट्रोलियम, ये सब हमारे यूज़ में आते हैं ना, डेली के यूज़ में आते हैं, पेट्रोलियम वगैरह. And they are used in industries, जैसे aluminium, gold, uranium, medicines, fertilizers, इन सब में भी क्या होता है, minerals का use होता है ना. So students, today our second chapter is finished here. There are some MCQs questions, so please tick in your notebook. The rocks which is made up of molten magma, igneous. The innermost layer of the earth, core. Gold and petroleum are coal. Are the example of minerals. Rocks which contains fossils, sedimentary. The thinnest layer of the earth, crust. Core, innermost layer, minerals has definite chemical composition. Rocks used for roads and buildings, clay, change into slate, sial made of silicon and aluminium. Students, here are some question answers, please note down in your notebook. Inside RR, Chapter 2, Class 7th, SST Geography. What are the three layers of the earth? Three layers of the earth are crust, mantle and core. What is a rock? Any natural mass of minerals, matter that makes up earth crust is called rock. The earth crust is made up of various type of rocks of different texture, size and color. Name the three types of rocks, igneous rocks, sedimentary rocks and metamorphic rocks. Then next, what do you mean by rock cycle? The process of transformation of the rocks from one type to another due to change in a certain condition in the cycle manner is called rock cycle. What are the uses of rock? Rocks are useful for various purpose. It helps to making roads. It is used to construction of houses and buildings. Some small stones are used by children in different types of games. They are used for fertilizers. What are metamorphic rock? The types of rocks formed when igneous and
Sedimentary rocks experience heat and pressure are called metamorphic rocks. So please, these questions you write it down in your notebook. Okay, till then, thank you and take care.